जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी बोट पाथरी से यहां पर आ रही थी, जो कि एलओसी से करीब 5 किलोमीटर दूर थी, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद आतंकी भाग निकले और उनकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खास बात यह है कि गुलमर्ग और बूटा पाथरी जैसे ऊपरी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमले में इससे पहले 7 लोगों की जान गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, गुलमर्ग के बूटा पथरी में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और इस घने जंगल में जो मिलिटेंट है उनकी तलाश जारी है। और यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं इस वक्त वो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने जो कॉर्डन ऑफ किया गया है इस पूरे जंगल को, यह आप देख सकते हैं, और तलाशी कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर जारी है। और क्योंकि सुराग से कुत्ते जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही इस जंगल को खंगालने की कोशिश में मसरूफ अमल है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, आर्मी है, SOG है, पुलिस है। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है मुस्तैदी से इस ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हैं और जो मिलिटेंट्स हैं घने जंगल में छुपे मिलिटेंट्स हैं उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द उनका सुराग लगाया जाए और उनको जल्द अज जल्द न्यूट्रलाइज़ किया जाए। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि जो गुलमर्ग से जो बूटा पथरी जो इलाका है और वहाँ पर ये जो हमला हुआ है मिलिटेंटों की जानिब से और जिसमें 2 फौजी जवान और 2 पोर्टर जो है वो मारे गए हैं और कई लोग जो है कई फौजी जवान उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और यह आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से, क्योंकि इस पूरे जो ये एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, इसके साथ साथ जो SOG है, BSF है, सभी अपने अपने जो फराइज़ है वो अंजाम दे रहे हैं। और तो व्यापक तौर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में ये 4था आतंकी हमला। इससे पहले आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को शोपिया में एक मजदूर पर अटैक हुआ था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है, 7 की मौत, इसमें 6 मजदूर थे, 1 डॉक्टर की मौत हुई है। वहीं 24 अक्टूबर की बात करें तो पुलवामा में गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है और 24 अक्टूबर गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला होता है जिसमें 2 जवान शहीद हो जाते हैं और 2 पोर्टर की मौत की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तो ये 4था हमला जो है इस पूरे महीने में किया गया है, लेकिन आतंकी हमले में जो 2 पोर्टर थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके नाम मुश्ताक अहमद चौधरी बताए जा रहे हैं, मुश्ताक नौशेरा का रहने वाला बताया जा रहा है। हमले में जान गंवाने वाले दूसरे पोर्टर का नाम जहूर अहमद मीर बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है, 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई है। पहले पोर्टर का नाम आपको बता दें, पहले पोर्टर का नाम बताया जा रहा है मुश्ताक अहमद, मुश्ताक नौशेरा का रहने वाला बताया जा रहा है, और दूसरा पोर्टर जिसने अपनी जान गंवाई है उसका नाम जहूर अहमद मीर बताया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर काबू करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं जो लोग, इन पर काबू पाना चाहिए था। और हम क्या कह सकते हैं, इसका एक छोटा बच्चा 3 साल का है, इसकी बीवी अभी नौजवान है, अभी वो 23 साल की है, ये घर पूरा का पूरा उजड़ गया। दूसरा भाई जो है इसका वो भी लेबर है। ये अफसोसनाक एक बात है क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे, और इसकी इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की है। उनके तरफ से लिखा गया है ट्विटर पर, उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में सेना की गाड़ी पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण खबर है जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। कश्मीर में हालिया हमलों की ये श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। मैं इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और जिन लोगों की जान गई है उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग पूरी तरह और शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। तो जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले की बीजेपी और कांग्रेस ने निंदा की है। ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। जिस तरह के आतंकवादियों के मंसूबे हैं इनको नाकाम करना पड़ेगा और हम केंद्र सरकार और यूटी की सरकार को कहेंगे
कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है और बने, हमारी फोर्सेस जो है वो डट के लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह के हमले एक शरारत है। ये बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों में तेजी आई है। कल पुलवामा के त्राल में एक बार गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। गोली युवक के हाथ में लगी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हमलावरों की तलाश यहां पर की जा रही है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा में भी कल एक अटैक हुआ है और दूसरा तस्वीर आपको गुलमर्ग की दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकी अटैक हुआ है। दो जवान शहीद हो गए हैं, दो पोटर्स की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है और एक बार फिर से यहां पर आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई।